चंबा स्टेट सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम गाजर के पकौड़े बनाने जा रहे हैं। एक गाजर ली मैंने, ये बनी ऐसे गाजर लेके इसको हमने पता कैसे करना है, लंबाई में हम बंदोबस्त करेंगे। इससे क्या होगा, ये हमारे जो लच्छे लंबाई में आए, ऐसे लंबाई आ गए। अब हमने क्या करना है, इसको ये थोड़ा सा इसमें बेसन बनाए, फिर उसके बाद हम सूजी क्यों मिलाते हैं, ताकि क्रिस्पी बन जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम नमक अपने स्वाद के अनुसार, मिर्ची हम तो ज्यादा खाते हैं, हम भी अपने हिसाब से थोड़ी सी हल, इतने मामूली थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब हम क्या करेंगे, इन सब को आपस में मिक्स करेंगे। अगर आपको कम लगता है तो हमें कम डाला सामान, थोड़ा और भी बेसन डाल सकते हैं, सूजी डाल सकते हैं, ऐसे को। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम बहुत बेसन मिलाएंगे, क्यों पूरा अभी अच्छी तरह मिक्स हुआ है। उतना बड़ा जैसा कि हमारी टिक्की तैयार हो जाए, टिक्की जैसा पकौड़ा तैयार हो जाए, ऐसी अच्छी तरह से आपने मिक्स इसको करना है। ऐसे इसको करते हैं, कर लिया चले इसको रख लो। अब हमने गैस को ऑन करके ऑयल आए, चाहे आप कोई भी रिफाइंड डाल, ऐसी कोई बात है, हमने तो ऑलिव ऑयल डाला है। तेल जब गर्म हो जाए, जब तो वो उठने लगे, तो क्या करने, हम इसको टिक्की जैसा बनाकर डालते हैं। प्याज का तो गाजर का मौसम है, अब जितनी मर्जी टिक्की बनाओ खाओ और चाय के साथ बहुत ही स्वाद आता है। आप भी भागकर अपनी किचन में जाइए, बनाकर देखिए कैसे बनती है, कितनी स्वाद बनती है। सेक को हमने क्या करना है, हल्का रखना, तेज नहीं रखना, क्योंकि आज के बने अभी उसको ऐसे किया गोल जैसा इसको। इस पर बड़े आराम से हमने इसको कटा के हमारे ऊपर कोई सेक नहीं पड़े। आप भी किचन में भाग कर जाइए, देखिए कितने भी स्वाद बनते हैं। एक चीज में विटामिन आ गए सारे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, वो आ गए नंबर टू हमारे। और जैसा चाय के साथ कभी शाम को खाओ, बड़ा मजा आएगा। अगर रेनी सीजन हो, बारिश हो रही हो, आम पान बैठ कर नॉन मिल बैठ कर खाइए चाय के साथ। हल्की आँच में देखो हमें चुया, तेज आँच नहीं कर दे, इतनी आपको हल्की आँच को लगे रिस भी बढ़ी देते। Put a food. ऐसे इसको बैठ अच्छी दम ऐसे ये हमारी तैयार हो गई। तैयार हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसको आप सॉस के साथ भी खा सकते हो, कोई भी चटनी ले लो, यही इसी के साथ खाओ। साथ में चाय का कप लीजिए, चाय का कप लेके गरम गरम चाय का कप और गरम गरम ओड़े, आपको कितना मजा आएगा खाने का, ये तो आप भी जानोगे ना, खा कर देखोगे। ऐसे कीजिए, आप सब लोगों को बताइए
जो भी आप वायरल कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, वो तो आपका बनता ही है ना। अगर आप करेंगे तभी तो मेरा हौसला बढ़ेगा, तो आपको आगे बना की बना अपना कर दिखाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।